Okay, students, so in the last class we have read about the experiments done by Hershey and Chase, and उसके बाद हमें पता चला that what is the genetic material. Genetic material जो होता है वो हमारे proteins नहीं होते हैं, that is our DNA. उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल पढ़ा था कि एक जेनेटिक मटेरियल में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए. इट शुड बी सेल्फ रेप्लिकेबल, इट शुड बी स्टेबल, इट शुड बी एबल टू अडैप्ट विद म्यूटेशंस एंड अदर थिंग्स. तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेबिलिटी क्यों होती है एंड व्हाई डीएनए इज कंसिडर्ड टू बी अ बेटर जेनेटिक मटीरियल इन रिस्पेक्ट टू द आरएनए. लेट अस रीड अबाउट दिस. Reasons for stability, that is less reactivity. Stability का मतलब क्या होता है? Less reactivity. कोई भी चीज stable है तो वो react नहीं करेगी, कोई भी चीज unstable है तो it is more respected to react. So reasons for mutability, that is a high reactivity of RNA. एक तो देखो students double stranded है and RNA is always single. तो सिंगल कोई भी चीज है दैट इज ऑब्वियसली अनस्टेबल इन कंपैरिजन टू द डबल स्ट्रैंडेड. द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड एंड आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड. आरएनए अगर सिंगल है तो इट इज टेंड इट टेंड टू बाउंड विद एनी सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन इट्स एनवायरमेंट. तो वो क्या करता है, उसके साथ रिएक्ट करता है और म्यूटेशन करने में ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है. अब एक और चीज है, डीएनए में हमें पता है डीएनए में जो भी नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं दे आर ATGC, ATGC. एंड वही अगर मैं आरएनए की बात करूं, आरएनए में जो होते हैं दे आर AUGC, AUGC. सो द प्रेजेंस ऑफ यूरैसिल एंड थायमिन, क्योंकि जो डिफरेंस है आरएनए और डीएनए में वही डिफरेंस क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी को इफेक्ट कर रहा है. सो थायमिन जो है दैट इज मोर स्टेबल सब्सटेंस इन कंपैरिजन टू द यूरैसिल एंड यूरैसिल इज अ लेस स्टेबल सब्सटेंस. एक और डिफरेंस जो है दैट इज बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, और वो है एब्सेंस ऑफ टू प्राइम ओएच इन द शुगर. सेकेंड पोजिशन पे ओएच की एब्सेंस होने से भी जो डीएनए है वो स्टेबल रहता है. एंड यहाँ पे सेकेंड प्राइम पे सेकेंड कार्बन पे ओएच प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इट मेक्स द कंपाउंड, इट मेक्स द आरएनए मोर रिएक्टिव विद इट्स एनवायरमेंटल सब्सटेंसेस. अब आप यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम के अंदर दैट देयर आर टू डायग्राम्स जो स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज शुगर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. यू कैन सी दैट यहाँ पे लेबल भी क्या हुए हैं, एच एंड ओ एच. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डीऑक्सी एंड राइबोज शुगर. डीऑक्सी का मतलब है ऑक्सीजन इज डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन इज टेकन आउट एंड देर इज नो ऑक्सीजन प्रेजेंट एट द टू प्राइम शुगर. राइबोस शुगर है जो उसका क्या स्ट्रक्चर है, पूरा राइबोस जितना स्ट्रक्चर है दैट इज ट्रू. तो ये चीज है जो वो इफेक्ट कर रही है हमारी स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए एंड आरएनए को एंड उनकी रिएक्टिविटीज को. नेक्स्ट, आरएनए थस इज अनस्टेबल ड्यू टू दैट फॉरवर्ड प्रॉपर्टीज जो हमने अभी पढ़ी है. So RNA viruses mutate and evolve faster. RNA is the genetic material of most of the viruses. Bacteriophage का भी जो होता है, tobacco mosaic virus का भी जो होता है, and maybe coronavirus का भी जो DNA जो genetic material है, that is RNA only. अगर हम लोग vaccine या medicine coronavirus के against बना रहे हैं तो हो सकता है कि वो क्या कर जाए, इवोल्यूट कर जाए, बिकॉज उसके पास क्या है, आरएनए है. आरएनए ज्यादा म्यूटेट एंड इवोल्यूट करता है, इट इज अनस्टेबल एंड थस वो एडवांसमेंट भी जल्दी कर लेता है. सो इसीलिए जो वैक्सीन प्रिपरेशन में या मेडिसिन प्रिपरेशन में इतना ज्यादा टाइम लग रहा है ट्रीटमेंट में. ट्रीटमेंट इज पॉसिबल थ्रू एंटीबॉडीज, किसी से भी एंटीबॉडीज लेके हम उसको ट्रीट कर सकते हैं. द नेक्स्ट थिंग इज डीएनए स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंटरी. डीएनए स्ट्रैंड जो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जिनकी वजह से डीएनए के डबल जो स्ट्रैंड्स हैं आपस में उनकी जो बॉन्डिंग है इट इज इवन मोर स्ट्रॉन्ग. इट मेक्स द बॉन्डिंग ऑफ द स्ट्रैंड्स इवन मोर स्ट्रॉन्ग.
सी ऑन हीटिंग दे सेपरेट, हीट करने पे वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं, एंड इन एप्रोप्रिएट कंडीशंस दे कम टुगेदर अगेन। कि अगर किसी कंडीशन में डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं वो डिस्ट्रॉय भी हो रहे हैं तो क्या है, दोबारा से अगर टेम्परेचर डाउन हो रहा है वो कंडीशंस को हम रिमूव कर रहे हैं तो दोबारा से वो क्या कर जाते हैं, दे कम टुगेदर। इन द ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट सम प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए ऑफ हीट किल्ड बैक्टीरिया डिड नॉट डिस्ट्रॉय। ठीक है, इट इंडिकेट्स द स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए। हीट किल्ड बैक्टीरिया, जब उसने बैक्टीरिया को हीट किल किया तो डीएनए के कई स्ट्रैंड्स थे वो क्या हुए थे, डिस्ट्रॉय नहीं हुए थे। तो ये क्या इंडिकेट करते हैं, दैट डीएनए इज अ स्टेबल कंपाउंड एंड थस डीएनए प्रूव्स टू बी स्टेबल जेनेटिक मटेरियल। देखो अभी तक इन द इवोल्यूशन इट इज रिपोर्टेड कि जो डीएनए है दैट इज द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड। डीएनए से स्टेबल कंपाउंड, स्टेबल जेनेटिक मटीरियल हमें नहीं मिला है अभी तक, इसीलिए इसको मोर एडवांस माना जाता है। सी स्टूडेंट्स, मुझे नहीं पता इवोल्यूशन कब होने वाली है, कैसी होने वाली है, पर हो सकता है कि जब इवोल्यूशन हो तब इवन मोर इंटेंस काइंड ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो जाए जो डीएनए से भी एडवांस्ड, स्टेबल एंड स्ट्रांग हो। टू द नेक्स्ट स्लाइड लेट अस गो। दिस इज फॉर द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन DNA is better due to its stability, but for the transmission of genetic information, RNA is better. अगर हमें स्टोरेज करनी है तो DNA है स्टेबल, बट अगर हमें ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो RNA is more efficient. देखो बच्चों, अगर किसी ने कुछ संभालना है तो उसके लिए हम मेच्योर स्टेबल बड़े बंदे का सहारा लेते हैं। जैसे कि मेरी कोई इंपॉर्टेंट चीज है, मेरी कोई कीमती चीज है, वो मेरे फादर के पास है, मैंने अपने फादर को वो चीज दी हुई है कि आप इसको संभाल के रखो क्योंकि मुझे पता है कि मैं इसको क्या कर दूंगी, खराब कर दूंगी। लेकिन टू ट्रांसपोर्ट द थिंग्स आई एम मोर एक्टिव देन माई फादर, तो मैं क्या करूंगी, वो चीज को ट्रांसपोर्ट कर सकती हूँ, ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ, ट्रांसमिशन कर सकती हूँ। तो वही चीज है कि स्टोरेज के लिए तो डीएनए यूज होता है, लेकिन अगर कोई चीज इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करनी है तो उसके लिए आरएनए काफी होता है। एंड यही चीज है जब वो सेल डिवीजन के टाइम पे यूज की जाती है, दैट इज आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, हेंस कैन इजीली एक्सप्रेस द कैरेक्टर्स। डीएनए इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। डीएनए किसी भी टाइप के प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकता, डीएनए क्या कर सकता है, आरएनए को सिंथेसिस कर सकता है, RNA फिर फर्दर क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है। सो इन दिस वे DNA synthesizes protein with the help of RNA, and जो RNA है वो क्या है, unstable है, but वो transmission में काम आता है। अब इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, DNA को RNA में convert होने का जो मतलब है उसको बोलते हैं transcription, and RNA को proteins में convert होने के process को हम क्या बोलते हैं, translation। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ये क्यों जरूरी है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट कन्वर्जन ऑफ डीएनए टू आरएनए इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट द कैरेक्टर्स, ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन, दिस इज द प्रोसेस नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। एंड कौन करता है इसको, डीएनए परफॉर्म्स ट्रांसक्रिप्शन एंड कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू आरएनए। डीएनए के जो ट्रांसक्रिप्ट्स होते हैं वो आरएनए होते हैं, एंड आरएनए खुद को ट्रांसलेट करके प्रोटीन्स में कन्वर्ट कर देता है, एंड प्रोटीन्स आर द थिंग्स दैट गिव अस कैरेक्टर। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक थिंग। नेक्स्ट, आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, इट एक्ट्स एज अ जेनेटिक मटेरियल एंड कैटलिस्ट। स्टूडेंट्स, जब इवोल्यूशन हुई थी तो आरएनए वाले वायरसेस जो थे वो सबसे पहले आए थे। ठीक है, हमें सब कुछ पता है कि सेल है, सबसे पहला सेल कौन सा था, प्रोकैरियोटिक सेल। सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स कौन से थे, बैक्टीरिया थे जो केमो ऑटोट्रॉफ थे, उसके बाद फोटो ऑटोट्रॉफ हुए इवोल्यूट, उसके बाद क्या हुए, हम यूकैरियोट्स इवोल्यूट हुए। बट बैक्टीरिया से भी पहले, सी वी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ सेल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लाइफ बिकॉज वायरसेस आर नॉट लाइफ, बट ऑफकोर्स बैक्टीरिया से पहले कौन आया, वायरसेस ही आए। जब वायरसेस को एक बॉडी मिल गई, सेलुलर स्ट्रक्चर मिल गया खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, तब उन्होंने खुद को एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया। लेकिन इवोल्यूशन में पहले
वायरसेस ही आए थे एंड आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, आरएनए से ही इवोल्यूट करके डीएनए बना है. It is a genetic material as well as the catalyst. This is a function of the RNA. Essential life processes में RNA बहुत ज़्यादा involved होता है, metabolism में, translation में, splicing में. RNA के बिना, अगर RNA, अगर हमारा जो body है, cellular structure है, अगर वो transcription नहीं कर पाया, cell replicate नहीं कर पाएगा. सेल रेप्लिकेट नहीं कर पाया तो सेल डिविजन नहीं हो पाएगी. सेल डिविजन नहीं हो पाई तो हमारी जो बॉडी है, हमारी जो आवर बॉडी कैन नॉट ग्रो एंड इवोल्यूट. डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए फॉर स्टेबिलिटी. डीएनए आरएनए में क्यों ट्रांसफर हुआ? फॉर स्टेबिलिटी, क्योंकि उसको स्टेबिलिटी चाहिए थी. स्टूडेंट्स, व्हाट इज द सेंट्रल डोगमा? सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यही जो चीज है. देखो, ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज ऑफ डीएनए, डबल स्टैंडर्ड जो स्ट्रक्चर है दैट इज ऑफ डीएनए. डीएनए कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू अ सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज द आरएनए, एंड आरएनए कन्वर्ट्स इटसेल्फ, आरएनए ट्रांसलेट्स इटसेल्फ इनटू प्रोटीन्स, एंड प्रोटीन्स गिव अस द कैरेक्टरिस्टिक्स. दिस इज नोन एज द सेंट्रल डोगमा ऑफ बायोलॉजी. सेंट्रल डोगमा क्या है? डीएनए खुद को आरएनए में कन्वर्ट करता है, आरएनए खुद को प्रोटीन में कन्वर्ट करता है. So what is the central dogma? Let us read about it further. यहाँ पे हमारे पास साइंटिस्ट का नाम आया, and that is he is a very handsome scientist, I must say, Francis Crick. It states that the genetic information flows in this way. DNA से DNA transmission, storage जरूर हो सकता है, transmission नहीं हो सकता. RNA से transmission जरूर हो सकता है, लेकिन एग्जिबिटेंस नहीं हो सकता. जो एग्जिबिट करता है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को, वो कौन है? प्रोटीन. फ्रांसिस क्रिक ने क्या दिया था? सेंट्रल डोगमा दिया था. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर. इट स्टेट्स दैट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम डीएनए टू आरएनए टू आरएनए टू प्रोटीन. डीएनए खुद को आरएनए में कन्वर्ट करता है ट्रांसमिट करने के लिए, आरएनए खुद को प्रोटीन में कन्वर्ट करता है एक्सप्रेस करने के लिए. ठीक है, दिस इज द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. अगर आपको क्वेश्चन है व्हाट इज सेंट्रल डोगमा, देन यू हैव टू राइट दीस टू लाइंस एंड दैट इज इनफ, क्योंकि इससे बड़ा ये क्वेश्चन नहीं आएगा. बट अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए आया तो यू कैन एक्सप्लेन इट मोर फॉर 3 मार्क्स क्वेश्चन. इन सम वायरसेस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन रिवर्स डायरेक्शन. स्टूडेंट्स देखो, जो रेट्रो वायरसेस होते हैं, व्हाट आर रेट्रो वायरसेस? लेट मी टेल यू. रेट्रो स्टूडेंट्स, रेट्रो का मतलब होता है पुराना. रेट्रो वायरसेस का मतलब है सबसे पुराने वायरसेस, क्योंकि हमें पता है कि डीएनए से पहले जो जेनेटिक मटेरियल था वो आरएनए था. रेट्रो वायरसेस, वायरसेस विच हैव आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल. ठीक है स्टूडेंट्स, रेट्रोवायरसेस आर द वायरसेस विच हैव आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल. तो वो किस फॉर्म में ट्रांसमिट करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन? फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. देखो, स्टोरेज आरएनए कर रहा है, बट देखो अगर वो यूकैरियोटिक सेल में आ रहा है या फिर प्रोकैरियोटिक सेल में भी आ रहा है, तो उसको तो खुद की इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करना पड़ेगा ना. तो वो क्या करते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, मतलब आरएनए टू डीएनए में खुद को कन्वर्ट करता है इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस इटसेल्फ. This is called reverse transcription. Replication क्या होता है? DNA जब DNA में convert करता है, that is replication. DNA जब RNA में convert करता है, that is transcription. RNA जब DNA में convert करता है, that is reverse transcription. And translation क्या होता है? जब RNA protein में convert करता है. Now what is DNA replication? Okay, replication is the copying of DNA from parental DNA. Watson and Crick proposed a semi-conservative model of replication. It suggests that the parental DNA strands act as template for the synthesis of new complementary strands.
After the replication, each DNA molecule would have one parental and one new strand. Students, replication क्या होता है कि DNA के कितने strands हैं? दो strands हैं. DNA का हर strand एक new strand को form कर रहा है and वो खुद को क्या कर रहा है? Replicate कर रहा है. तो new DNA में भी जो दो new DNA form हुए हैं, इसमें एक एक strand क्या होगा? Old DNA का होगा. That is known as the semi-conservative nature of the DNA. What is meant by the semi-conservative DNA? Nature of the DNA that parental DNA strand acts as a template for the synthesis of new complementary strands. After replication, each DNA molecule would have one parental strand and one new strand. Matthew Meselson and Franklin Stahl proved the semi-conservative model. ठीक है, मेसेलसन एंड स्टाइल ने बेसिकली इस सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को प्रूव किया था, प्रूव कर दिया था कि जो डीएनए की नेचर है दैट इज सेमी कंजर्वेटिव एंड इट कंजर्व्स इटसेल्फ हाफ एंड उसके बाद क्या करता है, ये रेप्लिकेट करता है. DNA replication, Meselson and Stahl's experiment. Unka experiment kya tha? They prepared the culture media of two E. coli. E. coli ko unhone grow kiya. Ek ko unhone NH4Cl salt, matlab ammonia kya liya tha? Heavy isotope of nitrogen, wala ammonia liya tha. So 15th N was incorporated in the both strands of the bacterial DNA and DNA became heavier. Students, जब E. coli को उन्होंने grow किया, तो growth medium में उन्होंने isotope of nitrogen डाल दिया. Isotope of nitrogen अगर bacteria खाएगा, तो अपने DNA भी में भी वो क्या करेगा? वही nitrogen को express करेगा. ठीक है, तो DNA क्या हो गया? हमारा heavier हो गया. तो second preparation में उसने क्या किया था? 14 salts, मतलब कि normal nitrogen लिया था. So जो नाइट्रोजन जो डीएनए स्ट्रैंड थे ये बहुत क्या थे, लाइटर थे. टू टाइप्स ऑफ डीएनए कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट. डेंसिटी ग्रेडियंट को लेके हम क्या कर सकते हैं, डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट आउट कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हुआ क्या था बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट के अंदर. ये तो आपको समझ आ गया कि एक इकोलाई को उन्होंने ग्रो किया N15 आइसोटोप वाले में, एक को ग्रो किया N14 वाले आइसोटोप में. अब नेक्स्ट, आफ्टर दे टुक इकोलाई सेल्स फ्रॉम द N15 मीडियम एंड ट्रांसफर टू 14N मीडियम. उन्होंने कुछ सेल्स को हैवी वाले सेल्स को लाइटर वाले सेल्स में ऐड कर दिया. एक जनरेशन के बाद मतलब 20 मिनट में इनकी एक जनरेशन पैदा हो जाती है. तो 20 मिनट के बाद इन्होंने देखा, इन्होंने आइसोलेट एंड सेंट्रीफ्यूज किया डीएनए को. तो इन्होंने देखा कि डीएनए जो था दैट वाज अ हाइब्रिड बिटवीन 15N एंड 14N डीएनए. मतलब डीएनए ने न्यू डीएनए तो बनाया, लेकिन उसमें वो खुद क्या था, एक स्टैंड उसका क्या था, कंजर्वेटिव था, एक स्टैंड उसका टेम्परेरी खुद का प्रेजेंट था. दिस शो दैट द न्यूली फॉर्मड डीएनए वन स्टैंड इज ओल्ड एंड वन स्टैंड इज न्यू. दिस कंफर्म्स द सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. आफ्टर सेकेंड जनरेशन देर वॉज इक्वल अमाउंट ऑफ हाइब्रिड डीएनए एंड लाइट डीएनए. आफ्टर 40 मिनट्स इन्होंने देखा कि इक्वल नंबर ऑफ लाइटर एंड स्मॉलर जो हैवियर डीएनए वो हो गए. टेलर एंड देयर कोलीग्स परफॉर्म्ड अ सिमिलर एक्सपेरिमेंट ऑन फैबा बीन्स यूजिंग द रेडियो एक्टिव थायमिन टू डिटेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए इन द क्रोमोसोम. स्टूडेंट्स मिजलसन एंड स्टेल ने जोलॉजी वाला एक्सपेरिमेंट किया था, या वी कैन से जेनेटिक्स वाला एक्सपेरिमेंट किया था. उन्होंने माइक्रोबायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स दैट इज इकोलाई को लिया था एंड फैबा बीन्स पे, मतलब बॉटनी में किसने किया था, टेलर ने.
have to remember that Taylor is a very important name. Taylor ने semi-conservative nature को plants में prove किया था कि plants में भी जो nature है that is semi-conservative only. DNA replication starts from the origin of replication ORI. DNA में अंदर DNA के अंदर एक ORI region होता है. Unit of replication with the one origin is called a replicon. एक यूनिट को बोलते हैं रेप्लिकॉन एंड ओआरआई कहाँ पे प्रेजेंट होता है डीएनए के अंदर पहले से प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन द टू स्ट्रैंड्स अनवाइंड एंड सेपरेट बाय ब्रेकिंग एच बॉन्ड्स इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम हेलिकेज हेलिकेज एंजाइम क्या कर देता है डीएनए स्ट्रैंड्स को अनवाइंड कर देता है खोल देता है द अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल एट अ पॉइंट फॉर्म्स अ वाई शेप्ड स्ट्रक्चर नोन एज द डीएनए फोर्क स्टूडेंट्स ये वाई शेप स्ट्रक्चर बन रहा है ये देख रहे हो आप यहाँ पे दिस इज अ वाई शेप स्ट्रक्चर जहां पे डीएनए खुल गया और जहां पे डीएनए बंद है वहां पे वाई शेप स्ट्रक्चर बोल रहे बन रहा है इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क रेप्लिकेशन फोर्क बनता कब है जब हेलिकेज एंजाइम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में आके काम करता है एंड ये देखो ये जूम करके दिखाया गया है आगे The separated strands acts as a template for the synthesis of new strand. The DNA replicates in the 5-3 direction. 5' से 3' direction की तरफ क्या है? DNA क्या करता है? Replicate करता है. Deoxyribonucleoside triphosphates act as substrate for providing energy. DATP, DGTP, DCTP and DTTP क्या करते हैं? Energy provide करते हैं replication के लिए. Firstly, a small RNA primer is synthesized in presence of an enzyme called the primase. Helicase से क्या आ रहा है? DNA unwind हो रहा है. फिर primase क्या कर रहा है? Primase is synthesizing. Yes. In the presence of the enzyme, DNA-dependent DNA polymerase, many nucleotide join with one another to primer strand and form a polynucleotide chain that is a new strand. इसी तरीके से क्या हो गया एक न्यू स्ट्रैंड की फॉर्मेशन हो गई नेक्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट ड्यूरिंग रेप्लिकेशन वन स्ट्रैंड इज फॉर्मड एज अ कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड एंड अनदर इज फॉर्मड लैगिंग दैट इज डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड उसको क्या बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड एंड लीडिंग स्ट्रैंड डिसकॉन्टिन्यूस वाले को लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं जो कॉन्टिन्यूस वाला है उसको क्या बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड लीडिंग स्ट्रैंड के जो फ्रेगमेंट्स जो पार्ट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बाद में डीएनए लाइगेज के थ्रू क्या हो जाते हैं जुड़ जाते हैं एंड इसको अभी भी क्या बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड ही बोलते हैं इफ अ रॉन्ग बेस इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ न्यू स्ट्रैंड डीएनए पॉलीमरेज कैन प्रूफ रीड इट डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है उसको प्रूफ रीड करता है मतलब देखता है कि इसमें कोई फालतू की चीज ऐड तो नहीं है उसको डिलीट कर देता है Next thing is E. coli completes replication within 18 minutes. That is 2000 base pair per second. एक सेकंड में वो 2000 base pair को replicate कर लेता है. In eukaryotes, the replication of DNA takes place at the synthesis phase of the cell cycle. The failure in the cell division after DNA replication is called polyploidy. अगर DNA replicate हो गया लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुई सेल डिवीजन नहीं हुई तो उसको क्या बोल देते हैं उस कंडीशन को क्या बोल देते हैं पॉलीप्लॉइडी डीएनए की रेप्लिकेशन में कौन कौन से मशीनरी एंड एंजाइम्स होते हैं ये हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं बेसिकली द न्यूक्लियर क्रोमोसोम्स द अनजिपिंग ऑफ डीएनए एंड द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर साइमल्टेनियस रेप्लिकेशन एंड टू न्यू डीएनए स्ट्रैंड सबसे पहले न्यूक्लियर क्रोमोसोम होते हैं उनके अंदर जब हम देखते हैं तो डीएनए है डीएनए आर प्रेजेंट एंड डीएनए को अनजिप किया जाता है मतलब हेलिकेज एंजाइम से अनवाइंड किया जाता है देन जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स हैं वो क्या करते हैं वो रेप्लिकेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता रहता है न्यू स्ट्रैंड्स को एड इन करता रहता है इसी की हेल्प से क्या करते हैं न्यू एंजाइम्स बनते रहते हैं देन द साइमल्टेनियस रेप्लिकेशन इज टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली फिर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो फॉर्म हो जाते हैं उसको क्या कर देते हैं हम लाइगेज से जोड़ देते हैं एंड इन दिस वे द लैगिंग स्ट्रैंड एज वेल एज द लीडिंग स्ट्रैंड इज फॉर्म्ड एंड टू न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स आर फॉर्म्ड Okay, students, so that was all about today's topic.
आई होप यू गॉट इट, आई होप यू लाइक इट. एंड ये डीएनए रेप्लिकेशन वाला पार्ट इज इंक्लूडेड इन द मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर, बट मैंने आपको इसी में करवा दिया है, तो अभी हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में नहीं करने वाले हैं इसको. एंड कल हम नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स से शुरू करने वाले हैं. We are going to start with non-Mendelian genetics in the next video. Non-Mendelian genetics हमने already कर लिया है. Mendelian genetics के अंदर हमने three laws of genetics को पढ़ा, father of genetics Mendel को क्यों बोलते हैं उसको पढ़ा. Then हमें genetic material है जो उस DNA कैसे बना उसको पढ़ा, उसके experiments को पढ़ा. उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल को पढ़ा, प्रॉपर्टीज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल आरएनए से बेटर क्यों है इसके बारे में पढ़ा. एंड अब हमने रेप्लिकेशन के बारे में भी कम्प्लीटली स्टडी कर लिया है. इससे नेक्स्ट पार्ट हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ही करेंगे. आई होप आपको रेप्लिकेशन समझ आ गया. यस स्टूडेंट्स, तो कल से हम मेंडेलियन जेनेटिक्स शुरू करने वाले हैं. आई होप यू गॉट इट, आई होप यू अंडरस्टूड इट. सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे.